गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। कितना सोओगे? ऐसे कौन आंखें बड़े आंखें करके खोलता है? हाँ, गुड मॉर्निंग। आंखें खोल के गुड मॉर्निंग तो बोलिए। सब उठ गए तुम्हारे चक्कर में। क्या बोलते हैं इसको? स्कर्ट, नीचे का स्कर्ट है। स्कर्ट? हाँ, स्कर्ट तो यहाँ तक होता ये है। दोनों सेम नहीं है, एक साथ का नहीं। वो स्कर्ट नहीं है, लॉन्ग स्कर्ट है। उसी को तो बोलते हैं स्कर्ट ही है। वो शॉर्ट्स होता है, ये लॉन्ग स्कर्ट है। इसको कुछ शरारा फरारा बोलते होंगे। ये शरारा शरारा अलग अलग होता है, ऐसे भी अलग अलग। और जो वो होता है क्या, वो क्या क्या होता है? प्लाजा? प्लाजा नहीं, प्लाजो। तो मेरी उर्दू की स्किल को इतना तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सोचो, मैं अपने उर्दू टीचर मुनीर खान साहब आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। आपने जो हमें पढ़ाया, सिर्फ 2-3 दिन उन्होंने पढ़ाया था, बाकी पूरा महीना मैंने खुद मेहनत की थी और उसी दौरान मैं अच्छा बोल पाया हूँ। मुझे लगता है कि मुझे डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए कि ताकि मैं बिल्कुल फ्लुएंट पढ़ सकूँ। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस कल मैंने ये सनग्लास का लिंक डाला था अपने पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आज ये आ गया है। खुद को दिखा रहे हो? अरे चक्कू वक्कू नहीं है क्या ननीश? तो मैं लेके आता हूँ। अरे नहीं, जाने दो, जाने दो, जाने दो। आप अच्छे बच्चे हो, मुझे पता है आप सुन लेते हो काम धड़ाक से, लेकिन जब है तो फिर क्यों? अभी तक दिखा नहीं। स्टिकर के साथ क्यों पहन रहे हो? स्टिकर के साथ ही पहन रही थी। स्टिकर निकालो। ये यार देख लो पहले फिट सही आ रहा है कि नहीं। मैं स्टिकर निकाल दिया तो रिटर्न ही नहीं हुआ। कैसा लग रहा है? बड़ा, छोटा? छोटा। छोटा? हाँ। फिर ठीक है, मुझे लगा बड़ा है। दो चाचू मैं भी पहनूं। पर दिखाओ तो। अरे अरे देखो, जरा दिखाओ लोगों को कैसा लग रहा है। अच्छा है। पर्पल पर्पल लामा। माँ का स्किन पर्पल है। बस आ जा, दे दे अब, दे दे, मेरे को जाना है जिम। मेरे से ज्यादा अच्छा इसी के ऊपर लग रहा है। अरे तो हमको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। अरे नमीश बंद कर लो। तो अभी मैं निकल रहा हूँ जिम। आज क्या करें, आज क्या करें, शोल्डर करते हैं आज। शोल्डर बहुत टाइम से नहीं किया, शोल्डर और थोड़ा सा लेग्स मारेंगे। देखो मैं रहता हूँ 7वें फ्लोर पे, लेकिन ये 2nd फ्लोर दिख रहा है और नीचे की तरफ है रो। क्यों? क्योंकि ये इंडिकेटर खराब है। ये 0 मतलब 10 है। ओके 10, 9, 8, 7, 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
तो जिम जाने से पहले मैं जाऊंगा अभी अपनी दीदी के यहाँ, उनके लिए मैंने 2-3 सूटकेस खरीदे थे, तो जाकर देखते हैं क्वालिटी वगैरह कैसा है, कहीं कुछ रिटर्न तो नहीं करना है। यहीं पास में रहती, ज्यादा दूर नहीं है। अब जाकर मौसम बहुत ही सुनहरा हो गया है, न ज़्यादा ठंडी न ज़्यादा गर्मी। ये वो जगह है जहाँ पर मैं 6 साल रहा हूँ, इसीलिए इस बिल्डिंग से, इस घर से बहुत सारी यादें जुड़ी है। ए भाई खोलो, भाई खोलो, मुझे हिकअप आने लगे जब आप लिफ्ट में। देखो ये, अरे बाप रे, एकदम अभी तुम मापी है मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान मापना बाकी बाकी है। जिम जाने से पहले जो 2 केले खा के जाते हैं ना, हाँ। ये 11 साड़ियाँ और 7-8 ड्रेस, हिसाब से तो ये छोटा है, ये परफेक्ट है। नवंबर में शादी है तो उसी की पूरी तैयारी चालू है। वाह, ये साड़ी अच्छी है, ये नेट वाली है ना, बोलो। बहुत महंगी महंगी साड़ियाँ हैं ये सब। निकला था जिम करने के लिए लेकिन दीदी के यहाँ बैठ गया, स्किप हो गया मेरा पूरा जिम। सुरभि आज जा रही है अपने भैया भाभी के यहाँ। सुरभि का कहना था कि श्रेयसी के लिए एक छोटा सा कोई गिफ्ट ले लेते हैं, तो ये गिफ्ट उसने पसंद किया। अब इसमें क्या है वो तो अगले व्लॉग में ही पता चलेगा जब सुरभि अपने यहाँ जाएगी। आ गए हमारे दुश्मन, ये तो हमको पता ही नहीं था। पता चल गया ना तुम्हारे ब्लॉग में, पता क्यों तुमने पूछा रहा कि सुरभि के भैया क्या है? आपको तो खुश होना चाहिए भाई, आपके कुछ दिन के लिए आप मुसीबत आपकी कम कर रहे हैं, जो है चपाने के लिए। सामान को झोला दे, मेरा रमेश, मेरा रमेश,
हाँ। हाँ। बोला है कि शांत रहना है। कुछ शब्द नहीं बचे हैं। मेरे पास बहुत सारे हैं। हाँ, बोलो। आज फिर ये जा रही है माइक। आज भैया भी तुम्हारा ड्रामा देखिए बगला जाएंगे। देख ला लाठी के सामने से क्या नहीं डालो। अचानक जा रही है, चाहे जैसे भी जा रही जा तो रही है ना। हमको तो जा तो है। आज सुरभी फिर से मायके जा रही है। इसकी भाभी की तबीयत खराब है तो कुछ देखने वाला है नहीं, इसलिए ये जा रही है 3-4 दिनों के लिए। और ये साले साहब सुबह से आके बैठे हुए हैं सुरभि को ले जाने के लिए। हम लोग बस इनको थोड़ा थोड़ा कुछ रुकिए नाश्ता करके जाइए, अरे रुकिए चाय पी के जाइए। कब से ऐसे रोक रहे हैं। लेकिन खुश हो भैया को मजा आ गया। लेकिन कब तक रोकेंगे हम, आखिर डिनर के बाद तो भेजना ही पड़ेगा। देखो सबके तुम्हारे फेस से समझ आता है अंदर से कितना खुश हो और ड्रामा कितना अच्छा कर रहे हो। अरे क्या मैं खुश हूँ यार, मैं भले अभी हंस रहा हूँ लेकिन अंदर से मेरी क्या हालत है वो आप लोग जानते ही हो। पिछली बार भी गई थी तो कैसी हालत हो गई थी। जिसकी नई नई शादी होती है ना उनको बहुत तकलीफ होती है। पूरा दिन तो निकाल लेते हैं लेकिन रात में जब सोने जाते हैं ना तब उनकी आंखें ऊपर टिकी रहेगी पंखे पे, टुकुर टुकुर ताकते रहेंगे। ये या तो ये मैं समझ सकता हूँ या फिर जो न्यूली मैरिड कपल हैं वही समझ सकते हैं। उधर मुंह करके वो लोग रो रहे होंगे पक्का। क्यों रहो? दिखाइए जरा उदास है कि नहीं। आप इनकी इनका चेहरा देखिए, अंदर से इतने खुश दिख रहे हैं, स्माइल ग्लो कर रहा है चेहरा खुशी के मारे। अरे नहीं नहीं, वो एक्चुअली मेरा चेहरा ही स्माइली है देखा, और ग्लोइंग फेस है इसीलिए। बाकी काम कर देती थी अच्छा, मैं कह देती तब चलिए, लेकिन भाभी के साथ पूरा काम करके आना समझी। ऐसे तुम कबो ना की तो फल तो भगवान उसका मोह लग जाता है। बाय बाय।